तो सबसे पहले तो अपने पास में आने का प्रयास करो। जितने अपने पास में आओगे ये नवरात्रि बहुत कीमती रहेगी सभी के लिए, बहुत कीमती। 1500 साल के बाद आ रही है नवरात्रि, और शनि और गुरु दोनों सूर्य की ही है। गुरु भी गुरुत्व पैदा हो सकता है बॉडी के अंदर, और शनि तो ऑलरेडी सूर्य पुत्र है, अनंत गुना संकल्प पैदा करता है बॉडी में। ये कीमती है 15 दिन, उसका उपयोग करो कि जितना होश बढ़ा सको उतना होश बढ़ाओ इन दिनों में। तो तैयारी आज से करो कि होश कल से चल रहे हैं तो होश में, हम किसी को बोल रहे हैं तो होश में, देख रहे हैं तो होश में, सुन रहे हैं तो होश में, उतना तो सब कर ही सकते हो। भोजन कर रहे हो तो संकल्प लोगे हम हमारी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे को बोलना पड़ता है भाई चुप रखो इनको, तो वो तुम्हारे में फिर क्वालिटी नहीं है। अभी अभी तो अपने अंदर से ये होश कि मैं मेरी तरफ से बात नहीं करूँगा, कोई सामने वाला पूछेगा उसका जवाब दूंगा मैं। इतना बड़ा प्रयोग है, दो प्रयोग तो भोजन का और नाश्ते का, जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने होश रह जाए तुमको कि भैया मेरी तरफ से जवाब नहीं दूंगा मैं, पूछेगा तो जवाब दूंगा, मतलब आपका अवेयरनेस पूरी वहाँ मौजूद है, क्योंकि आपके अंदर ही ध्यान में कि कोई बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा मेरी तरफ से, बस मेरी तरफ से नहीं बोलूंगा मैं। बहुत बड़ी घटना घट जाती 9 दिनों में। उतना भी याद रह जाए दो नाश्ते के टाइम पे भी, तो वो ये संकल्प लेके करो कि नहीं यार इतना ध्यान तो हम रखेंगे, हमारी तरफ से हम नहीं बोलेंगे, आगे रह के बात नहीं करेंगे, कोई पूछेगा तो बराबर रिस्पॉन्सिबल जवाब देंगे हम। छोटी छोटी सी 3-4 टिप्स भी अगर कर ली तो नवरात्रि सार्थक हो जाएगी तुम्हारी। अब उसमें संकल्प तोड़ दो तुम 10 दिन में भी, तो फिर क्या मतलब उस 10 दिन का भी, वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए फिर। नहीं यार संकल्प पूरा करेंगे हम कि हमारी तरफ से हम नहीं बोलेंगे, इतना ही संकल्प सबको करना है। नाश्ते और भोजन में तो कर ही सकते हैं इतना, बाकी दिन भर भी प्रयास करें अलग बात, नाश्ते भोजन का विशेष, क्योंकि सबसे पहले मूलाधार तो हमारा सक्रिय, थोड़ा सा वहाँ ताकत तो बढ़े हमारी मूलाधार पे, तो